Hello students, how are you? Hope you all are doing well and safe at your home. आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी गुलमोहर का पार्ट 7, महाकवि कालिदास. ओके, आप जानते हैं कालिदास कौन है? कालिदास जो थे वह एक महान कवि थे. ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स. ये है महाकवि कालिदास जी. ओके, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. यह एक प्राचीन कथा है जो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, महाकवि कालिदास वाला. यह एक प्राचीन कथा है, बहुत ही पुरानी कथा है. इस कथा में विनम्र और विद्वान बनने की कहानी बताई गई है. ओके, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं. एक छोटे से राज्य के राजा है ना, एक छोटे से राज्य के राजा सरदानंद की पुत्री विद्योत्मा की सुंदरता और बुद्धि की चर्चा चारों ओर हो रही थी, है ना. एक छोटा सा राज्य था, वहाँ के राजा जो थे, राजा सरदानंद ना, उनकी जो पुत्री थी, उनकी जो बेटी थी, उसका नाम था विद्योत्मा. वह बहुत ही सुंदर और बुद्धि, मतलब बहुत ही ज़्यादा होशियार, है ना, सोचने समझने की शक्ति. उसकी चर्चा जो थी चारों ओर चल रही थी. चर्चा मतलब उसकी बातचीत चल रही थी यहाँ वहाँ, ठीक है. राजकुमारी से विवाह करने के लिए कई राजकुमारों ने प्रस्ताव भेजे. जो वह राजकुमारी थी, राजकुमारी विद्योत्मा, उससे विवाह के लिए बहुत सारे राजकुमार जो थे वह अपने अपने प्रस्ताव भेजते थे, परंतु विद्योत्मा जो थी, जो राजकुमारी थी, उसने सबको यह कहकर निराश कर दिया था कि मैं केवल उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा. शास्त्रार्थ मतलब शास्त्र के ज्ञान के बारे में वाद विवाद जो होता है उसे कहते हैं शास्त्रार्थ, है ना. मैं उसी व्यक्ति से उस विवाह करूंगी जो केवल मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, मतलब शास्त्रार्थ करने में उसे वह हरा देगा. वह ऐसे व्यक्ति से ही विवाह करेगी. वह यह राजकुमारी विद्योत्मा की एक शर्त थी, इसलिए सभी राजकुमार जो थे वह निराश होकर चले जाते थे. देश विदेश से अनेक विद्वान आते थे, है ना, पर उनमें से कोई भी विद्योत्मा को शास्त्रार्थ में हरा नहीं सका, क्योंकि वह बहुत ही बुद्धिमानी भी थी, ठीक है. हारे हुए सभी विद्वानों को इस बात से बहुत आत्मग्लानी हुई कि एक युवती ने उन सभी को हरा दिया, है ना. जो हारे हुए युवक रहते थे वहाँ उनके पास से आते थे, उन सभी को बहुत ही आत्मग्लानी, आत्मग्लानी मतलब क्या है, पछतावा, है ना. उन्हें यह पछतावा होता था उन विद्वानों को कि वह एक युवती, एक लड़की से हार गए. उन्हें बहुत ही पछतावा होता था. वे सभी इस बात का, इस अपमान का बदला लेना चाहते थे. वे सभी युवक जो थे अपनी इस अपमान का बदला लेना चाहते थे. किससे? राजकुमारी विद्योत्मा से. वे इस बात का, इस अपनी इस अपमान का बदला लेना चाहते थे, है ना. देश विदेश के जो विद्वान थे वे सभी बदला लेना चाहते थे. तो देश विदेश से अनेक विद्वान आए, पर उन्हें कोई भी शास्त्रार्थ में नहीं हरा सका, इसलिए वे सभी अपने इस अपमान का बदला लेना चाहते थे राजकुमारी विद्योत्मा से. एक दिन सभी विद्वान जो थे उपवन में, है ना, बगीचे में जो थे, इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे. इसी बात की चर्चा कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे वे, है ना. कि कुछ ही दूरी पर उन्हें एक युवक पेड़ की डाल पर बैठा दिखाई दिया, है ना. ये सभी बातें वे कर ही रहे थे कि उन्हें कुछ दूर पर एक युवक जो है वह पेड़ पर बैठा दिखाई दिया. नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट. ये देखिए, आप पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जो विद्वान है ये सभी चर्चा कर रहे थे, तो उन्हें अचानक से उस पेड़ पर बैठा हुआ जो युवक है वह दिखाई देता है, उस पर उनकी नजर पड़ती है, ठीक है. थोड़ी देर बाद वह जिस डाल पर बैठा था उसे ही कुल्हाड़ी से काटने लगा. उसे देखकर वे आपस में बातें करने लगे कि क्यों ना विद्योत्मा का विवाह इस महामूर्ख से करवा दिया जाए, उसका घमंड ऐसे ही चूर चूर किया जा सकता है, है ना. उन्हें क्योंकि अपमान का बदला लेना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह जो मूर्ख है, क्योंकि जिस डगाल पर वह बैठा हुआ है, जिस डाल पर, उसी डाल को वह काट रहा है, तो वह मूर्ख ही हुआ ना. इसलिए उन्होंने कहा कि क्यों ना विद्योत्मा का विवाह इसी महामूर्ख से करवा दिया जाए, तो उसका घमंड भी चूर चूर हो जाएगा, है ना. उसका घमंड भी चूर चूर हो जाएगा, है ना. उसका घमंड भी ऐसे ही चूर चूर किया जा सकता है. ऐसे वे विद्वान जो थे वे इस बात की चर्चा कर रहे थे. तो विद्वानों ने उस युवक को पेड़ से नीचे बुलाया और उससे कहा, अगर तुम मौन बने रहो
तो हम तुम्हारा विवाह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से करवा सकते हैं। उन्होंने उस मूर्ख को बुलाया, उस युवक को बुलाया पेड़ से नीचे और कहा कि अगर तुम ऐसे ही मौन मतलब शांत रहोगे तो तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह जो है एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से हम करवा सकते हैं। तो युवक जो था, युवक ने विद्वानों की बात तुरंत मान ली, है ना। विद्वानों ने युवक को सुंदर वस्त्र पहनने को दिए, फिर उसको विद्युत्मा के पास ले गए और बोले कि हम सबके गुरु हैं, ये भी आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, किंतु ये बोल या सुन नहीं सकते, इसलिए कृपया आप इनसे संकेतों में ही प्रश्न करें। विद्युत्मा ने बात मान ली, है ना। जो उस महामूर्ख युवक को लेकर आए थे वे विद्वान, उन्होंने उसने युवक उन विद्वानों की बात मान ली, है ना। उन्होंने कहा कि तुम मौन ही रहना तो तुम्हारा विवाह जो है एक सुंदर सी राजकुमारी के साथ हम करवा सकते हैं। तो जो वह युवक था, मूर्ख युवक, वह विद्वानों की बात तुरंत मान लेता है और वे विद्वान क्या करते हैं कि उसे एक अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाकर, सुंदर कपड़े पहनाकर विद्युत्मा के पास लेकर जाते हैं, है ना। और कहते हैं वे कि यह हम सबके गुरु हैं, है ना, यह हमसे सबसे सबके गुरु हैं, यह आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, मतलब शास्त्र कथन पर वाद विवाद करने आए हैं, किंतु ये क्या बोल नहीं सकते और ना ही सुन सकते, उन्होंने ऐसा झूठ बोला रानी महाराज कुमारी विद्युत्मा से, तो आप इनसे क्या करें, संकेतों में ही प्रश्न करें, है ना। संकेत मतलब इशारे के द्वारा ही आप इनसे प्रश्न पूछें। तो विद्युत्मा जो थी वह उनकी बात मान लेती है। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से। तब तक के लिए आप इतना ही, एक पेज जो हमने रीड किया और इसे एक्सप्लेन किया, आप इसे फिर से अच्छे से रीड कीजिएगा और जो कठिन शब्द आए हुए हैं पाठ में आप उनके अर्थ को फाइंड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।